हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बार फिर से चर्चा करेंगे बीएड के बारे में। बहुत सारे बच्चों के भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट्स होते हैं। हम अपना प्रयास करते हैं कि बच्चों का जो भी डाउट हमें लगता है कि कॉमन डाउट है, उसके ऊपर हम वीडियो लेके आते हैं। उसमें क्या होता है कि जिस बच्चे का डाउट अभी प्रेजेंट में उस टॉपिक पे नहीं है, कुछ समय बाद जब जब वो इस दौर से गुजरेगा और जब एडमिशंस की प्रक्रिया के अंदर चला जाता है बच्चा, तो भिन्न भिन्न प्रकार के डाउट उसके स्टार्ट हो जाते हैं। साथियों, आज का वीडियो होने वाला है बीएड एडमिशंस के बारे में। बीएड के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट क्या होते हैं, और जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, किस प्रकार से सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है। वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप इच्छुक हैं हरियाणा से बीएड करने का और हरियाणा से बीएड से संबंधित जानकारी आप चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आज ही फॉलो कर लें, आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपने कहीं भी किसी के भी साथी के पास एडमिशन लिया, इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हम अवेलेबल कराएंगे, हमारा काम है। साथियों, आज की वीडियो जो हमारी है, थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, फिर भी मैं इसको क्लियर कर देता हूं। बीएड के अंदर तीन सब्जेक्ट होते हैं, वो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तीन सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, और तीन सब्जेक्ट्स के बाद में कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं तीन, ठीक है। उसके बाद में दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ऑप्शनल, वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और उन सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन यानी कि किस प्रकार से आप कर सकते हो सब्जेक्ट से रखना होगा, यानी कि दो सब्जेक्ट जो होंगे वो कौन से आप रख पाओगे ताकि आपका बीएड का जो कोर्स है वो कंप्लीट चलता रहे। तो साथियों, वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, किसी भी बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आए, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9467179859। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको आज की इस वीडियो से संबंधित कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप हरियाणा में बीएड करना चाहते हैं, आप बाहर के किसी राज्य के छात्र हैं, जैसे कि बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, आप यूपी से हैं, आप दिल्ली से हैं, आप उड़ीसा से हैं, उड़ीसा का बच्चा भी बहुत ज्यादा बाहर बीएड करने आता है, हरियाणा में बीएड करने आता है, आप किसी भी राज्य के छात्र हैं, हरियाणा से आप बीएड कर सकते हैं। उसका सबसे मेन कारण एक होता है कि हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंडर में अनसीटी से मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेजेस कम फीस में बच्चों को मिल जाते हैं, जिस वजह से बच्चों हरियाणा का चयन करते हैं। और एक सबसे मेन रीजन सेकंड ये भी होता है कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होता है, साफ स्पष्ट और सही काम बच्चों का करके दिया जाता है, इसलिए हर साल राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, झारखंड से और उड़ीसा से बच्चे हमारे पास आते हैं। दिल्ली का बच्चा भी हरियाणा के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ करने के लिए आता है। साथियों, अब हम चलेंगे आगे और आप लोगों को इसके बारे में वन बाय वन बताएंगे। देखो, मैंने अपने हिसाब से काफी स्टडी किया है ताकि किसी भी बच्चे को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और बच्चा अपनी परेशानी जो है उसका हल हमारी स्टूडियो के माध्यम से ले पाए। साथियों, कॉन्टेक्ट नंबर दोबारा से लिख रहा हूं, किसी बच्चे ने अभी तक नोट आउट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। इस मोबाइल नंबर को आप उपेंद्र सर हरियाणा करके सेव कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे बीएड के सब्जेक्ट्स के बारे में। एक चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं, ये जो सब्जेक्ट्स की मैं जानकारी दे रहा हूं, ये केवल और केवल हरियाणा के बच्चों के लिए है। हरियाणा बोले तो जो बच्चा हरियाणा से बीएड का कोर्स करना चाहता है, चाहे वो किसी भी राज्य का बच्चा हो, हरियाणा से बीएड का कोर्स करना चाहता है वो बच्चा इस वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहिएगा। देखो, किसी आप दूसरे राज्य से बीएड कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स कुछ मिले जुले होते हैं, बट थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है। जैसे कि हरियाणा में फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 3 कॉमन सब्जेक्ट, 2 टीचिंग सब्जेक्ट रखा जाता है। किसी दूसरी आप स्टेट में जाएंगे, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे, तो उसमें सब्जेक्ट्स की जो एग्जाम्स की संख्या है वो बदल दी जाती है। फर्स्ट ईयर में 6 एग्जाम होते हैं, 7 होते हैं, सेकेंड ईयर में 5 होते हैं, या फिर हाफ हाफ कर दी जाती है, इस प्रकार से। तो हम बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर जो बच्चा बीएड का कोर्स करने आता है, उस बच्चे को हम इंफॉर्मेशन देने के लिए आज की वीडियो लेके आ रहे हैं। साथियों,
ये अपने जो कंपलसरी सब्जेक्ट आप देख पा रहे होंगे बीएड के, मैंने इसको नोट करके रखा है। इसका रीजन ये है कि भाई थोड़ा समय कम लगे। एक नंबर सब्जेक्ट आप यहां देख पा रहे होंगे, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। ये सब्जेक्ट होता है, कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे कोई आर्ट का बच्चा हो, चाहे कोई साइंस का बच्चा हो, चाहे कोई कॉमर्स का बच्चा हो, चाहे कोई बीटेक का बच्चा हो, कोई भी छात्र है यदि हरियाणा से बीएड कर रहा है तो उसको इन तीन एग्जाम्स को हर हाल में देना पड़ेगा, चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। एक नंबर सब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। साथियों, ये जो एग्जाम है आपका थ्योरी के रूप में 80 नंबर का रहेगा और 20 नंबर का जो आपको मार्क्स दिया जाएगा वो आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा। टोटल इसके मार्क्स रहेंगे वो 100 रहेंगे। पास होने के लिए आपको 1/3 यानी कि 33% नंबर की जरूरत होती है। 33% नंबर यदि किसी बच्चे के नहीं आते हैं तो वो पास नहीं होता है। 80 का हम 33% निकालें तो राउंड फिगर में 27 नंबर आपको यहां लेके आना होता है। और 20 नंबर का जो आपका इंटरनल होता है जो कॉलेज की तरफ से लगाया जाता है, 7 नंबर यहां पे आपको लेके आने पड़ते हैं। 7 × 21 यानी कि टोटल आप लोग को अलग अलग नंबर लेने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने इंटरनल के अंदर 0 नंबर लिया, थ्योरी के अंदर ज्यादा नंबर ले लिया। 27 + 7 ये इंटरनल का जो नंबर होता है, 20 नंबर होता है, ये कॉलेज की तरफ से बच्चों को दिया जाता है। और ये जो 80 नंबर का एग्जाम होता है ये थ्योरी का एग्जाम होता है बच्चों का। बच्चों को अपने हाथ से हैंड राइटिंग से लिखना होता है, उसके बाद बच्चों को नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकेंड सब्जेक्ट की, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये जो सब्जेक्ट है ये भी एक कॉमन सब्जेक्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस सब्जेक्ट्स का एग्जाम भी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, बीटेक सभी स्ट्रीम के बच्चों को देना होता है यदि उसने हरियाणा बीएड में दाखिला ले लिया तो। ये एग्जाम भी आपका 80 नंबर का रहेगा साथी, और 20 नंबर का जो है इंटरनल एग्जाम आपका होगा। पास मार्किंग वही रहेगा, थ्योरी में आपको 27 नंबर और इंटरनल में आपको 7 नंबर लेके आने होंगे। जो भी नंबर आपका आएगा वो टोटल एड होगा, 100 में से ये आपके मार्क्स रहने वाले हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करें, लर्निंग एंड टीचिंग। ये आपका 3 नंबर सब्जेक्ट है जो कि कंपलसरी सब्जेक्ट है। हमने यहां रखा है कंपलसरी सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग ये भी आपका 80 नंबर का एग्जाम रहेगा। पास होने के लिए 27 नंबर चाहिए, 20 नंबर का इंटरनल, इसमें कम से कम 7 नंबर होने चाहिए और जो आपका टोटल निकल के आएगा वो आपके पास होना जरूरी है। यदि आपके पास ये 27 + 7 = 14, 2 + 3 = 34 यानी कि 34 नंबर यदि आपके आते हैं तो आप पास हैं। अपने आप को पास समझे, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको केवल ये पास मार्किंग बताई है, ऐसा नहीं है कि आपके 27 नंबर ही आएंगे। आपके 80 में से 80 भी आ सकते हैं, 79 भी आ सकते हैं, 60 नंबर भी आ सकता है, 59 भी आ सकता है। जितना जैसा आप पढ़ेंगे वैसे नंबर आएंगे। इसमें आपके किसी प्रकार के बच्चे को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। साथी, अब मैं एक बार आपको फिर से पीछे लेके चलूंगा, डाउट क्लियर करते चलेंगे हम। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, हम बात कर रहे हैं 3 कॉमन सब्जेक्ट्स की। यहां आप देख पा रहे होंगे 3 कॉमन सब्जेक्ट्स की, 3 कॉमन सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने बात की है। उसके बाद जो 2 सब्जेक्ट होते हैं जो अपने टीचिंग से संबंधित होते हैं, वो सब्जेक्ट कौन से रहेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। मैं दोबारा से स्थिति को क्लियर करता चलूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। आप यदि जल्दी देखना चाहते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ा के 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, इसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, बट मेरा काम है बच्चों को अच्छे से समझाना। साथी, 3 सब्जेक्ट्स आपके जो हैं ये कंपलसरी हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, आर्ट का, साइंस का, कॉमर्स का, बीटेक का, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो यदि वो हरियाणा से बीएड करना चाहता है, उस बच्चे को ये 3 एग्जाम देने पड़ेंगे। मीडियम हिंदी और इंग्लिश, जैसी आपकी इच्छा है आप उसका चयन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स के साथ साथ, जैसे अपना कंपलसरी सब्जेक्ट होता है 3 और टीचिंग सब्जेक्ट 2, मैं आपकी ये भी स्थिति क्लियर करता चलूंगा। आपको फर्स्ट ईयर के अंदर थ्योरी के रूप में 5 एग्जाम देने होते हैं, जिसमें आप एग्जाम सेंटर हॉल में जाके पेन से पेपर पे लिखेंगे। वो एग्जाम्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। आपको 5 एग्जाम यहां देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद
तीन सब्जेक्ट अपने कॉमन होते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स के बाद जो दो सब्जेक्ट रहेंगे जिसको हम टीचिंग सब्जेक्ट कहेंगे, पेडालॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट रहेगा ये फर्स्ट और पेडालॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स रहेगा ये सेकंड। यहां आप देख पाओगे यानी कि दो आपके टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे। टीचिंग सब्जेक्ट क्या रहेंगे, जब आप बीएड के कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और किसी स्कूल के अंदर टीचर बनने के लिए जाएंगे, वहां आपका फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस चीज के टीचर बनना चाहते हो, मैथमेटिक्स का, बायोलॉजी का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसको हम यह नाम दे रहे हैं पेडालॉजी ऑफ सोशल साइंस के नाम से उस सब्जेक्ट को जाना जाएगा। यहां तक की स्थिति मेरा जहां तक मानना है क्लियर हो गई होगी साथी। अब हम चलेंगे आगे। अब ये है अपना पेडालॉजी ऑफ जो टीचिंग का जो सब्जेक्ट है उसको मैंने बना के तैयार रखा है। अब मैं आपको एक चीज ये भी क्लियर कर देता हूं, सबसे पहले जो पेडालॉजी ऑफ टीचिंग्स का आप पेपर देंगे, यानी कि हमें दो एग्जाम देने हैं और वो दो जो एग्जाम देंगे वो भी 80 नंबर का एग्जाम होगा, 20 नंबर का इंटरनल होगा, टोटल मिला के आपका 100 नंबर का ही ये एग्जाम होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे यदि कोई बच्चा आर्ट का स्टूडेंट है, आर्ट में यदि आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो भी अच्छी बात है, यदि आप ऑनर्स के ना हो के नॉर्मल स्टूडेंट है, बिहार का बच्चा ऑनर्स रखता है, यदि आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं तो भी सेम बात रहेगी। आर्ट के स्टूडेंट को मैं बताना चाहूंगा, देखो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ लिखे हैं आप लोगों के लिए, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, उसके बाद में होम साइंस, म्यूजिक, फाइन आर्ट, सोशल साइंस। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा दो टीचिंग सब्जेक्ट्स आपको इनमें से लेने होंगे आर्ट के बच्चे को। देखो कोई आर्ट का बच्चा है, मैं बताऊंगा फर्स्ट प्रीफरेंस उस बच्चे की होती है हिंदी सब्जेक्ट, यदि वो हिंदी भाषा का छात्र है तो। सेकंड प्रीफरेंस हो सकती है उस बच्चे की इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश इसमें से एक चीज को आपको 99% सेलेक्ट करके चलना पड़ता है। उसके साथ सेकंड टीचिंग सब्जेक्ट जो आता है तो ये होता है सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको SS के नाम से भी जानते हैं, सोशल साइंस। ये पॉलिटिकल के बच्चे हो सकते हैं, हिस्ट्री के बच्चे हो सकते हैं, ज्योग्राफी के बच्चे हो सकते हैं। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री ज्योग्राफी से की है या फिर पॉलिटिकल साइंस से की है, आर्ट के सब्जेक्ट से की है, तो आपको सोशल साइंस लेना होगा। और सोशल साइंस के साथ आप एक लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में से ले सकते हैं, आपकी चॉइस उर्दू की है आप उर्दू ले सकते हैं, आप पंजाबी भी ले सकते हैं। हिंदी के साथ आप होम साइंस के स्टूडेंट है होम साइंस ले सकते हैं, म्यूजिक के स्टूडेंट है म्यूजिक ले सकते हैं, फाइन आर्ट के स्टूडेंट है फाइन आर्ट ले सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है हिंदी इंग्लिश को आप ना लेके और आप होम साइंस के साथ सोशल साइंस को ले या म्यूजिक के साथ सोशल साइंस को ले। मेरा कहने का मतलब ये है आर्ट के जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को मैंने आपके सामने 7-8 सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, इनमें से किसी भी दो सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है जो कि आपका टीचिंग सब्जेक्ट रहेगा, आपकी जब जॉब लग जाएगी तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को आप स्कूल में जाके बच्चों को पढ़ाओगे। ये आर्ट का फंडा है, खत्म हो गया है। अब बात करेंगे हम साइंस वाले बच्चों की बीएससी नॉन मेडिकल का कोई छात्र हो चाहे मेडिकल का कोई छात्र हो, उस बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। एक तो कॉमन सब्जेक्ट होता है आपके लिए, यहां देखोगे पेडालॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, यहां आप देख पा रहे होगे पेडालॉजी ऑफ फिजिकल साइंस। अब बच्चे इस पेडालॉजी ऑफ फिजिकल साइंस को देख के थोड़ा सा अपने आप को परेशान महसूस करेंगे कि ये फिजिकल साइंस क्या होती है, हमने इसको कभी नहीं पढ़ा। चलो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, आगे चलते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट आपका पेडालॉजी ऑफ मैथमेटिक्स रहेगा और एक सब्जेक्ट आपका रहेगा पेडालॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अब बायो और मैथ कौन बच्चा ले सकता है इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है। जो बच्चा नॉन मेडिकल से है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिस बच्चे ने पढ़ाई की है वो बच्चा तो लेगा मैथमेटिक्स को, ये स्थिति क्लियर होती होगी मेरे अनुमान से। सेकंड बात है मेडिकल, मेडिकल भी आपको पता है प्लस टू पास आउट है, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जिस बच्चे ने ले रखी है, ले रखी थी प्लस टू कक्षा के अंदर और ग्रेजुएशन में भी उसके पास बायो थी, तो वो बायोलॉजिकल ऑफ साइंस को भी चयन करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक सब्जेक्ट तो रहेगा आपका मैथमेटिक्स दूसरा आपका रहेगा बायोलॉजी। ये केवल और केवल उस तथ्य पे मैं बात कर रहा हूं कि आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, यदि आप साइंस के टीचर ना बनके आपने बीएससी कर रखी है, आप आर्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी
इंग्लिश का चयन भी कर सकते हैं और अन्य किसी सब्जेक्ट का चयन भी कर सकते हैं, बट हम साइंस की बात कर रहे हैं। आपने बीएससी कर रखी है मेडिकल या नॉन मेडिकल किसी भी एक्सट्रीम से, तो आपको इन तीन में से एक सब्जेक्ट का चयन करना पड़ेगा। एक तो ये तो कॉमन रहेगा, चाहे ये मेडिकल का बच्चा हो चाहे ये नॉन मेडिकल का बच्चा हो, जो फिजिकल साइंस सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है ये सब्जेक्ट कॉमन रहेगा। फिजिकल साइंस का मतलब होता है कि फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, पीसी यानी कि फिजिक्स या केमिस्ट्री, इसको एक कॉमन नाम दिया गया है, पैडोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंस। जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं उनको आगे चल के केमिस्ट्री मिल जाएगी और जो फिजिक्स का बच्चा है उसको आगे चल के फिजिक्स मिल जाएगी। यदि आपने पीजी जिस भी लैंग्वेज से करोगे, आप फिजिक्स से करोगे फिजिक्स के टीचर लगोगे, केमिस्ट्री से करोगे केमिस्ट्री के टीचर लगोगे। तो कहने का बात यह है कि एक सब्जेक्ट पैडोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंस और दूसरा सब्जेक्ट आपको मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी में से एक सब्जेक्ट लेना होगा। तीन सब्जेक्ट की चॉइस आपके सामने है। मेरा जहां तक मानना है आप इस स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर चुके होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट होता है दोबारा से नंबर टाइप कर रहा हूँ 9461179859, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं यदि हरियाणा से बीएड करना चाहते हैं। आप बच्चों को एक बात और बताना चाहूंगा, यदि आपने बीएड करने का मन बना रखा है और आपको पता है आपके स्टेट में आपका एडमिशन नहीं होगा अप्रैल के महीने में या मई के महीने में, कोशिश करना अप्रैल के महीने में आप हरियाणा में कहीं भी किसी भी साथी के साथ बात करके 5-10 हजार रुपए टोकन मनी देकर अपनी सीट बुक करा लेना, ताकि आपकी अमाउंट है 75 से 80 के बीच बीच में फिक्स हो जाएगी। यदि आपने लेट किया जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का वेट किया तो आपको फीस 90K 95K 1 लाख रुपए तक देनी पड़ सकती है। ये आपको टाइमली मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कॉमर्स वाले बच्चे की, या कॉमर्स का जो बच्चा है वो भी बीएड करना चाहता है। तो कॉमर्स का मतलब है कि बीकॉम, कॉमर्स तो नहीं कहूंगा मैं इसको, बीकॉम का जो बच्चा है वो भी अपना बीएड का कोर्स करना चाहता है, उस बच्चे के सामने ऑप्शन है कि वो पैडोलॉजी ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकता है, पैडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स ले सकता है, या फिर हिंदी ले सकता है, एक इंग्लिश ले सकता है, इंग्लिश के साथ कॉमर्स ले सकता है, इंग्लिश के साथ इकोनॉमिक्स ले सकता है, या हिंदी के साथ ले सकता है। आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर बीकॉम में क्या कुछ सब्जेक्ट थे उनमें से आपको यहाँ चयन करना होगा। बीकॉम के बच्चों के पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, नॉर्मल से ऑप्शन होते हैं, आप इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट का चयन कर सकते हो। अब बात हम करेंगे बीटेक वाले बच्चों की। बहुत सारे बच्चे बीटेक पास आउट होते हैं और वो भी टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो वो बच्चे भी जा सकते हैं, उनके पास भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं तो आप एक सब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का, दूसरा सब्जेक्ट आप इंग्लिश रख सकते हैं, आप हिंदी रख सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी रख सकते हैं, आपके लिए ऑप्शनल रहेगा। इंग्लिश रख सकते हैं, मैंने इंग्लिश को यहाँ भी नीचे भी मेंशन किया है। और एक आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप मैथमेटिक्स रखना चाहो तो आप मैथमेटिक्स रख सकते हो, बट कंप्यूटर साइंस का कोई बच्चा है तो कंप्यूटर के साथ इंग्लिश का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। यदि कोई अन्य किसी स्ट्रीम का बच्चा है तो मैथमेटिक्स के साथ वो हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स को ले सकता है, अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। तो साथियों ये हमने क्लियर कर लिया है, आर्ट वाले बच्चों का, बीएससी वाले बच्चों का, बीकॉम और बीटेक वाले बच्चों का, ये वो दो सब्जेक्ट हैं जो आपको चूज करना है। ये दो सब्जेक्ट वो है जिसकी च्वाइस आपको करनी है कि आपको किस चीज का टीचर बनना है। स्थिति क्लियर है, नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं चलता हूं आपको लेके। अब हम बात करेंगे कि हमारा एग्जाम हो गया है, एग्जाम होने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोगों का फिर होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। प्रैक्टिकल थ्योरी के बाद होता है, कॉलेज के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। हरियाणा के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम मोस्टली कॉलेजेस के अंदर 1 डेज के अंदर इसको समाप्त कर दिया जाता है। सब्जेक्ट्स की जो संख्या होती है प्रैक्टिकल की वो होती है 4, 4 प्रैक्टिकल्स आपकी देनी होती हैं, यानी कि 5 एग्जाम प्लस 4 प्रैक्टिकल, टोटल हम कहें तो इसको हम 9 एग्जाम भी कह सकते हैं। एक्चुअल में थ्योरी का जो एग्जाम होता है वो होता है 5, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है 4, टोटल मिला के हम इसको 9 एग्जाम कहेंगे। इसमें एक नंबर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग रहेगा ऑन टेक्स्ट, 50 नंबर का ये आपका एग्जाम होता है, 50 में से 33% ले सकते हैं आप पास रहेंगे। और इससे यदि यहाँ कॉलेज की तरफ से 49, 48, 50 तक भी बच्चों को नंबर लगा दिए जाते हैं बच्चे की रिजल्ट को देखते हुए। सेकंड में प्रैक्टिकल की बात करूंगा जो जिस सब्जेक्ट का नाम है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। थर्ड रहेगा आपका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, कंप्यूटर से संबंधित एक फाइल होती है जो
जहां बच्चों की प्रैक्टिकल होती है। नेक्स्ट की बात करूंगा, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के नाम से आपका चौथा जो प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम आपके 50x4 यानी कि 200 नंबर का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम यहाँ होने वाला है। प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर हो गया है, 3 सब्जेक्ट्स कॉमन थे वो क्लियर हो गए हैं, 2 सब्जेक्ट टीचिंग के थे क्लियर हो गए हैं। सब्जेक्ट्स की जानकारी फर्स्ट ईयर में बीएड के बच्चे को इतनी ही लेनी होती है, सेकंड ईयर के बच्चों को क्या कुछ लेनी होती है इसके लिए भी मैंने वीडियो तैयार कर दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, लिंक के माध्यम से आप इस चीज को देख सकते हैं, जान सकते हैं। साथ ही अब एक बात करेंगे आपसे, भाई हमने आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया कितने सब्जेक्ट्स कैसे क्या होते हैं, अब बच्चों का एक क्वेश्चन आएगा कि सर टोटल एग्जाम कितने नंबर का होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो मैंने आपको बताया था 3 एग्जाम तो आपके होंगे कॉमन, कॉमन का मतलब है 80 नंबर का आपका थ्योरी, 20 नंबर का इंटरनल, 100 नंबर का रहेगा, 3 एग्जाम आपके कॉमन रहेंगे, नंबर रहेगा उसका टोटल 300। 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे, 80 नंबर थ्योरी रहेगी, 20 नंबर आपका इंटरनल रहेगा, टोटल बढ़ेगा 100 और इन टू में करेंगे 2 = 200, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपना भाई 300 200 500 नंबर का हो चुका है, प्रैक्टिकल जो एग्जाम है वो रहेगा आपका 50 नंबर का, तो यहाँ 50×4 प्रैक्टिकल के एग्जाम होंगे, ये रहेंगे 200 नंबर के, यानी कि ओवरऑल मिला के फर्स्ट ईयर के अंदर जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 700 के अंदर से। 700 में से आप कितने नंबर लेते हैं, आप 500 लेते हैं, 600 लेते हैं, 550 लेते हैं, 700 लेते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, जो बच्चा जितना पढ़ेगा जितना लिखेगा उतने अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि इंटरनल एग्जाम कितने होते हैं, मैं दोबारा से इस चीज को क्लियर करूंगा, पीछे भी क्लियर करता आया था, इंटरनल जो एग्जाम है बच्चों का रहेगा, जो थ्योरी का जो एग्जाम होता है वो रहेगा आपका 5 एग्जाम थ्योरी का होता है, और इंटरनल जो कॉलेज के द्वारा नंबर दिए जाते हैं इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, दोबारा से बार बार चर्चा करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा होगा। थ्योरी का एग्जाम चलो मैं बता देता हूं, जब हमने इस पॉइंट को नोट करके रख रखा है, देखो साथी थ्योरी का जो एग्जाम है 80×5 और इंटरनल रहेगा 20×5, जिसको हमने यहां ऐड कर लिया है, 80 नंबर का थ्योरी 20 नंबर का इंटरनल, टोटल एग्जाम 100 नंबर का, 3 सब्जेक्ट्स को 300 में कन्वर्ट कर लिया है। प्रैक्टिकल एग्जाम्स की बात हो चुकी है, 4 प्रैक्टिकल्स के आपके एग्जाम होंगे। ये थी आज की वीडियो जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी देना था, जो भी बच्चा एडमिशन लेने का इच्छुक है जरूर कॉन्टेक्ट कर सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर हमने आपको वीडियो में 2-3 बार क्लियर किया है, दोबारा से कर रहा हूँ। आप यदि हरियाणा से बीएड करना चाहते हैं और आपने मन बना रखा है, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे बात करके अपनी शीट बुक करवा लें, ताकि आपका एक सीमित फीस में आज ही एडमिशन क्लियर हो जाए, अन्यथा आप लोगों को पता है हरियाणा के अंदर बीएड की जो फीस है वो 95,000 से लेके 1,00,000 के बीच में है, जो बच्चा जितनी जल्दी एडमिशन कराता है उतनी कम फीस में उसको एडमिशन मिलता है, कॉलेज स्टार्टिंग की कुछ सीटें डिस्काउंट के साथ फिल करते हैं, उसके बाद फुल फीस में सीटें भरी जाती हैं, तो आप बिल्कुल देरी ना कीजिएगा, और आपने एडमिशन लेने का मन बना रखा है तो तुरंत प्रभाव से अपनी शीट बुक करवा लीजिएगा। साथियों जो वीडियो थी, आज का टॉपिक था 3 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट और 2 आपके टीचिंग सब्जेक्ट, मेरा जहां तक मानना है आपका डाउट क्लियर होगा होगा, फिर भी यदि आपका कोई डाउट निकलता है तो आप हमें कॉल कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में अपने कॉमेंट को डालिएगा, यदि आप कॉल करने के इच्छुक नहीं है हम आपकी हर इंफॉर्मेशन को बहुत ही बारीकी से लेंगे, और यदि कॉमन बच्चों का क्वेश्चन होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को भी क्लियर करने का काम करेंगे। फिलहाल की आज की वीडियो में यही जानकारी शेयर करनी थी, भविष्य की अपडेट्स के लिए हरियाणा से संबंधित बीएड की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कंटिन्यू इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद सर।